मैं कोड लिखूंगा, आप मेरे कोड को देखकर ये बताएंगे ये कोड चलेगा कि नहीं, अगर नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, एरर कौन सी आएगी और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, मैं आपके सामने कोड लिखूंगा छोटे छोटे, दो दो तीन तीन लाइनों के, आपको बताना है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा और चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। मैंने जावा से कहा बाइट ए इक्वल टू 10, इंटेजर बी, बी इज इक्वल टू ए। सब देखने के बाद जवाब दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा, ये केस वन। केस टू, इंटेजर ए इक्वल टू 10, बाइट बी, बी इज इक्वल टू ए, राइट। ये केस टू है हमारा। केस थ्री, मैंने कहा इंटेजर ए इज इक्वल टू 128, बाइट बी, बी इज इक्वल टू ए। अब आप मुझे समझाएं एक एक केस को देखकर कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा और अगर नहीं चलेगा तो रीजन क्या है। चलिए शुरू से, पहला वाला चलेगा क्या? पहला वाला चलेगा 100% चलेगा, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग लगाइए, आप ए को डाल रहे हैं बी में, ए की डेटा टाइप क्या है? ए इज अ वैल्यू ऑफ टाइप बाइट, बी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटेजर, यू आर असाइनिंग अ बाइट टू एन इंटेजर। जावा को छोटा बड़े में एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट right? तो जावा यहां पर करेगी इम्प्लिसिट कन्वर्जन और आराम से बाइट इंटेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे, अब आ जाइए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या होगा बताइए, चलेगा कि नहीं, यस और नो? नहीं चलेगा, राइट। एरर कौन सी आएगी? जावा एरर कौन सी देगी? लॉसी कन्वर्जन, राइट। लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, राइट। ये सिंटेक्स एरर आएगी आपके स्क्रीन पे और जावा कोड कंपाइल करने से मना कर देगी, राइट। दिस विल बी अ सिंटेक्स एरर। ओके, अब ऐसा क्या करें कि जावा एरर ना दे और कोड चला दे? सॉल्यूशन, वेरी गुड, बी इज इक्वल टू बाइट ऑफ ए। ऑलरेडी ए इंटेजर है, उसे इंटेजर में क्या कन्वर्ट करेंगे अपन? ओके, बी इज इक्वल टू बाइट ऑफ ए, चलेगा? जल्दी बताइए, चलेगा? चलेगा। डेटा लॉस होगा? डेटा लॉस होगा? नहीं होगा। इत्तफाक से डेटा लॉस नहीं होगा। दिमाग लगाइए, बाइट की रेंज कितनी होती है? जल्दी बताओ, बाइट की रेंज कितनी होती है? इट इज -128 to 127, करेक्ट? होती है -128 से 127। क्या 10 इस रेंज में नहीं आ रहा? आ रहा है ना, इसलिए डेटा लॉस नहीं हुआ, इसलिए डेटा लॉस नहीं हुआ, कोड चल गया, ठीक है। चलिए अब आप तीसरे केस पे आइए, तीसरे के बारे में क्या कहना है, चलेगा कि नहीं? ये चलेगा तीसरा वाला? नहीं चलेगा, इसलिए कि वैल्यू 128 है, इसलिए कि ए की वैल्यू 128 है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि ए एक इंटेजर है और जावा का मानना है इंटेजर में जीरो भी अगर है तो वो बाइट से बड़ा है और अगर इंटेजर बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है। जावा का मानना है इंटेजर में अगर जीरो भी है तो वो बाइट से बड़ा है और इंटेजर बाइट में जाएगा तो डेटा लॉस हो सकता है। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है।